इन्होंने कर्नाटक का चुनाव बड़े शानदार तरीके से जीता कर्नाटक की जनता को किस प्रकार से इन्होंने बेवकूफ बनाया झांसे में लिया तुष्टिकरण करने की पूरी कोशिश करी और उसमें ये बहुत हद तक जो है कामयाब हुए और अब जब इन्होंने ये पांच गारंटी दी तब तो नहीं बताया था कि इसमें फलाना टर्म एंड कंडीशन अप्लाई होगा अब जैसे ही सरकार बनी अब इनको लगा कि भैया पैसे तो हैं नहीं ये ये इतना फ्री का जो ताना बाना गा दिया अब ये कहाँ से करेंगे तो उन्होंने सब योजनाओं के नीचे एक एक कंडीशन लगानी शुरू कर दी तो कांग्रेस करप्शन और कांग्रेस और अविश्वसनीयता ये एक दूसरे के परिपूरक हैं, एक दूसरे के हैं। तो कांग्रेस में फजीहत हो रही है कि एक तरफ फ्री की गारंटियों की बात जो है वो कर्नाटक में की गई थी कहीं चावल को लेकर बवाल कटा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ फ्री बसों को लेकर बड़े दावे करने वाली कांग्रेस को लेकर तमाम ऐसे सोशल पर वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें ट्रांसजेंडरों को जो है वो फ्री टिकट नहीं दी जा रही है देखिए कांग्रेस कहीं ना कहीं इस देश के अंदर भ्रष्टाचार का सिनोनिम बन चुकी थी इसीलिए इस देश की जनता ने 2014 में उसको उठा के फेंक दिया 2014 से 2019 तक देश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में एक सशक्त सरकार का एक्सपीरियंस किया एक गवर्नेंस क्या चीज होती है वो देश की जनता ने अनुभूति की और उसके बाद फिर आता है दो का लोकसभा चुनाव जिसमें राहुल गांधी जी कुछ अजीब व गरीब गारंटियाँ इस देश की जनता को दे रहे थे और उसके बाद वो बोले कि जी हम बेरोजगारों को जो है इतना हज़ार रुपया देंगे अब आप सोचिए इनकी सरकार कितने राज्यों में है इन्होंने 2019 के लोकसभा से पहले झारखंड में सॉरी इन्होंने छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई इन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई इन्होंने राजस्थान में सरकार बनाई और आज ये लोग उस मुँह से महंगाई की बात करते हैं और इन्हीं की सरकार में देश में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल राजस्थान के अंदर बिक रहा है क्या इन लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती या इन लोगों को लगता है कि इस देश की जनता इतनी इग्नोरेंट है इतनी बेवकूफ है कि इसकी इस देश की जनता की मेमरी नहीं है कि इस देश की जनता को पता ही नहीं है कि सबसे ज्यादा महंगाई किन राज्यों में है तो ये इस प्रकार के जो वादे कर रहे हैं तो देश की जनता को पहली बात तो इनके ऊपर विश्वास नहीं है जब इन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई तो कमलनाथ जी को बगल में चाँप के राहुल गांधी हर जनसभा में कहते थे कि पहली मीटिंग में ये इतने लाख युवाओं को रोजगार दे देंगे इतने लाख किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे और एक साल सवा साल सरकार चलाने के बाद इन्होंने एक किसान का कर्जा माफ़ नहीं किया राजस्थान में इनकी सरकार पिछले लगभग पौने पाँच साल से चल रही है यहाँ इन्हीं की पार्टी के जो बड़े नेता एक जादूगर है और एक छोटा जादूगर आपस में भिड़े रहते हैं मतलब इनकी पार्टी का अध्यक्ष जिसके नेतृत्व में राजस्थान का चुनाव जीता गया लड़ा गया बम पर बहुमत लेकर आई वो अपनी पार्टी के अध्यक्ष अपनी पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ वो बेचारा जो है वहां पे यात्राएं निकाल रहा है और उसके बाद वो कह रहा है कि मैं चुपनी बैठूंगा फिर उनको जो है प्रियंका जी एक दिन जो है थोड़ा सा दिलासा देती है एक दिन राहुल जी दिलासा देते हैं फिर उसके बाद टाए टाए फिस हो जाती है फिर उसके बाद वो बेचारा फिर अपना दुखड़ा लेके शुरू हो जाता है तो जिसका अपनी पार्टी के अंदर ही इतना बड़ा विरोधाभास है अपनी पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी के लोग जो उसकी पार्टी का झोला और झंडा लेके चलते हैं वही लोग उन पर विश्वास नहीं कर पा रहे तो बाकी देश की जनता तो क्या करेगी देखिए इन्होंने कर्नाटक का चुनाव बड़े शानदार तरीके से जीता कर्नाटक की जनता को किस प्रकार से इन्होंने बेवकूफ बनाया झांसे में लिया तुष्टिकरण करने की पूरी कोशिश करी और उसमें ये बहुत हद तक जो है कामयाब हुए और अब जब इन्होंने ये पांच गारंटी दी तब तो नहीं बताया था कि इसमें फलाना टर्म एंड कंडीशन अप्लाई होगा अब जैसे ही सरकार बनी अब इनको लगा कि भैया पैसे तो हैं नहीं ये ये इतना फ्री का जो ताना बाना गा दिया अब ये कहाँ से करेंगे तो उन्होंने सब योजनाओं के नीचे एक एक कंडीशन लगानी शुरू कर दी तो कांग्रेस करप्शन और कांग्रेस और अविश्वसनीयता ये एक दूसरे के परिपूरक हैं एक दूसरे के सिनोनिम हैं तो कांग्रेस हाँ जो काम कहती है वो कतई नहीं करती और जो नहीं कहती वो पूरा करती है अब आज देखिए जिस अडानी अंबानी को सबसे ज्यादा गाली बकते हैं रोज इनके गालीबाज प्रवक्ता टीवीओं पर आकर गाली बकते हैं आज कांग्रेस के राज्य में वो अशोक गहलोत जी पलक पावड़े बिछा के अडानी जी अडानी जी, अडानी जी एक भाषण में एक आधे घंटे के भाषण में उन्होंने छियालीस बार अडानी जी अडानी जी का नाम लिया है और राहुल गांधी किस प्रकार से बच्चों की तरह जो एक एक शैतान बच्चा होता है ना जो गली में हर किसी के घर की घंटी बजाता है ऐसे अनरूली बिहेवियर करते हैं उस सदन के अंदर और वो उसी अडानी जी को वहां पे जो है भला बुरा कहते हैं और आज कांग्रेस ऐसी स्थिति में है कि कांग्रेस न अपने नेताओं के जो वादे हैं उनका बचाव कर पा रही है ना कांग्रेस जो है अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को वो रोक पा रही है आज जब 2019 में मोदी जी दोबारा चुन के आए तो उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों का सबसे तेजी से जो है पालन करने का काम किया अब कांग्रेसियों के पेट में दर्द इस बात की है कि मोदी जी अपने घोषणा पत्र के काम भी पूरे कर रहे हैं और जो इन्होंने पिछले 40-50 साल से बैकलॉग बना के वो तमाम योजनाएं रखी हुई थी वो भी पूरे कर रहे हैं तो इन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि जब हम तो पाँच पाँच दशक तक सत्ता में रहे हम कुछ नहीं कर पाए ये आदमी जो है आठ नौ साल में ऐसे कैसे कर सकता है आप सोचिए जब कांग्रेस इस देश में शासन छोड़ के गई दो में तो इस देश में बमुश्किल तीन साढ़े तीन करोड़ लोगों के पास जो है गैस चूल्हा होता था आज इस देश के अंदर उज्ज्वला योजना के तहत दस करोड़ से अधिक लोगों के पास जो है गैस के सिलेंडर और कनेक्शन है आज जिस देश में बमुश्किल दस करोड़ लोगों के पास बैंक का खाता होता था आज मोदी जी के आने के बाद पचास करोड़ से ऊपर लोगों के पास जो है बैंकिंग सुविधाएं प्रत्यक्ष रूप से पहुंचनी शुरू हुई हैं और आप इस प्रकार की तमाम योजनाएं योजनाओं की बात करेंगे तो माइक्रो लेवल पर जो जो नीचे लेवल पर जिसको हम अंत्योदय की बात करते हैं कि समाज के आखिरी छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक विकास को कैसे पहुंचाना नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस काम को दिन रात कर रही है ना हिंदू देख रही है ना मुसलमान देख रही है ना गरीब देख रही है ना अमीर देख रही है ना जो है अगड़ा देख रही है ना पिछड़ा देख रही है सबके लिए काम कर रही है परंतु कांग्रेस के डीएनए में क्या है कांग्रेस के डीएनए में अभी जो है कमलनाथ जी का एक वीडियो हो रहा है। उसमें वो मुस्लिम समुदाय इलेक्शन वो, वो की वीडियो है जहां तक मुझे समझ में आ रहा है पर यह कांग्रेस की नीति है कि आप कैसे पोलराइज करेंगे जिन लोगों ने पिछले छह दशकों तक इस देश में हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं किया आज वो नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं कि आप हिंदू मुस्लिम करते हो आपने एक संप्रदाय विशेष के लोगों को कंधे पर बिठाकर जो है इस देश में घुमाने की जरूरत की इस देश पर क्या पहला हक सभी लोगों का नहीं है गरीबों का नहीं है पिछड़ों का नहीं है दलितों का नहीं है आदिवासियों का नहीं है आज जब ये लोग सत्ता चुत हैं तब इन लोगों को आदिवासी याद आ रहे आप सोचिए दस साल इस देश में सांसद रहते हुए जिस राहुल गांधी को ये नहीं पता हुआ कि धान कैसे उगता है गेहूं कैसे उगता है आज वो राहुल गांधी कभी वो जो है कैमरा लेकर इंडिया में ट्रक में चढ़ चढ़ जाते हैं तो कभी अमेरिका जाके ट्रक पे चढ़ जाते हैं अभी देखिए इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि इनको विरोध क्या करना है इनको देश को विजन क्या देना है बस इनको क्या करना है इनको विरोध करना है अगर मोदी जी को स्टेट जो है गेस्ट के रूप में अमेरिका बुलाता है तो उससे पहले रायता फैलाने के लिए जो है राहुल गांधी जी सैम पित्रोदा के नेतृत्व में वहाँ जाके रायता फैला के आ जाते हैं और उनके भाषण के बीच में वहाँ खालिस्तानी लोग जो है अलगाववादी लोग वहाँ पर नारे लगाते हैं राहुल जी उसका विरोध नहीं करते और क्या नाटक करते हैं कि जी मैं तो मोहब्बत की दुकान खोलना अरे भाई मोहब्बत एक ऐसी चीज है जैसे इस प्रकृति में इस प्रकृति में जो है सूर्य की रोशनी है हवा है वायुमंडल में तमाम चीजें हैं उसी प्रकार से मोहब्बत भी इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर है इस पूरे मानव जाति के बीच में है। आप कौन सा कौन सी दुकान खोलेंगे आपकी मोहब्बत की दुकान तो इस देश ने जो है कई वर्षों पहले देखी है कि जब आपके पिताजी ने बोला कि एक जो है बड़ा पेड़ गिरता है तो क्या होता है तो धरती तो आप लोगों ने कई बार हिलाई है तो इसका साक्षी पूरा देश बनाए तो यह मोहब्बत की दुकान का नाटक अब देश की जनता के सामने नहीं चलने वाला और जो आपके झूठे वादे होते हैं हां ठीक है कि काट की हांडी एक बार चढ़ गई बार बार नहीं चढ़ती